बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ ग्रिल सैंडविच, जिसके लिए लिया है मैंने गोभी। उसको मैं काट लूँगी। तीन चार चीज़ों से आप आराम से घर में ग्रिल सैंडविच बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गोभी को बारीक बारीक काट लूँगी। इसके बाद मैं काट लूँगी खीरे को। अगर आप चाहें तो आप और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दो ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के, तो उसको मैरिनेट करके रख दिया था नमक, मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा लीमू लगा के। अब मैं उसको पका रही हूँ थोड़ा सा ऑयल डाल के, ताकि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और वो अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखें, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है और ये गल चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और इसको ठंडा करके तो मैं सैंडविचेस पे लगाऊँगी। अब मैं एक मायोनीज से बैटर तैयार करूँगी। मायोनीज लिए मैंने 3 टेबलस्पून। उसके अंदर ऐड कर दूँगी बंद गोभी जो मैंने काटी थी। नमक मैं उसमें टेस्ट के हिसाब से ऐड करूँगी। वैसे मैंने एक चुटकी नमक ऐड किया है, क्योंकि मायोनीज में भी नमक होता है। और मैं 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दूँगी काली मिर्च। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैं एक साइड पर रख दूँगी। अब मैं चिली मायोनीज तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ही भर के मायोनीज के। उसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून चिली सॉस, थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिली फ्लेक्स के, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी केचप के। उनको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको भी एक साइड पर रख दूंगी। अब मैं 2 स्लाइस लेके होंगे किनारे इस तरह से काट लूँगी और फिर मैं इसको फिल करूँगी। सबसे पहले मैं लगाऊंगी ऊपर एक लेयर जो मैंने मायोनीज में बंद गोभी को मिक्स किया था, वो वाली लेयर। उसके ऊपर रख दूंगी मैं चिकन।
उसके बाद मैं इसके ऊपर रख दूंगी खीरे। और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो मायोनीज मैंने चिली मायोनीज बनाई थी वो वाली, अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर केचप भी अगर आपको बहुत पसंद है तो आप लगा सकते हैं एक लेयर उसकी, मैं नहीं लगा रही हूँ। अब ग्रिल पैन को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर लूँगी एक ब्रश से अच्छी तरह। उसके बाद मैं इसमें रख दूंगी जो मैंने अपना सैंडविच बनाया था, उसको अच्छी तरह जब एक साइड से सिक जाएगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। और ये देखें मज़ेदार सा सैंडविच हमारा रेडी है। आप थोड़ी सी इंग्रेडिएंट के साथ मज़ेदार से सैंडविचेस घर पे ही बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो वो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं आपको काट के इसको चेक करवाऊँगी कि ये अंदर से कैसा बना है, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो अब तक पहले पहुँच। अगली वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।